अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग आईटीओ पर मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ पे तमाम मंत्री, आप देख सकते हैं कि आरपीएफ की फोर्स भी तैनात, पुलिस बल को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। और देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, साई का अंत हो गया है, इस मोदी की तानाशाही का अंत अब सुनिश्चित हो गया है। कल शहीदी दिवस है, जिस तरह अंग्रेजों ने भगत सिंह को उठा लिया था एक दिन पहले, ठीक उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी को किडनैप करके परेशान, अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माता जी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है, आईटीओ पे हम जा नहीं सकते हैं, एक मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है, जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे, दुनिया के अंदर नंबर वन ट्रेंड आए स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। चलो तो चलो मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, केजरीवाल जिंदाबाद। तो कहाँ लेके जाएगा रे? अभी हमें पता ही नहीं, हमें तो किडनैप कर लिया जी। कहाँ से? मैं राहुल खटीक, महानगर सचिव मेरठ से आया हुआ हूँ। मैं किस लिए आया आप? मैडम किस लिए आया हूँ? हमारे नेता को किडनैप कर लिया गया है, गिरफ्तार नहीं किया, किडनैप किया है। और ये किडनैप नरेंद्र मोदी जी पर बहुत भारी पड़ेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर एससी में ये केस जा रहा है तो एससी जो सर्वोच्च न्यायालय इसका न्याय करे। क्योंकि कल जैसा कोर्ट के अंदर ईडी को इन्होंने फटकार लगाई थी, लेकिन रात के अंधेरे के अंदर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है। और अब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि चंद्रचूड़ जी इनकी पूरी अगुवाई करेंगे तो जरूर कोर्ट हमें रियायत देगी। देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब हम लोग आईटीओ पर मौजूद हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहां पे प्रदर्शन करने के लिए आए थे और यहां पे इन लोगों को डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहां पर तैनात, पुलिस फोर्सेस, आप देख सकते हैं कि यहां पर आरपीएफ के जवान भी मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हें उठा के यहाँ से ले जाया जा रहा है। साथ ही इनको ये भी नहीं पता है कि अभी इन्हें लेके कहाँ जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कुलदीप सिंह का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो उसका जवाब जरूर देगा सुप्रीम कोर्ट। 400 बार नहीं हवाने के लिए बीजेपी की अपनी, उसमें कील ठोक ली बीजेपी ने, अब बीजेपी 40 बार नहीं होगी देश में।
ये थे हमारे साथ कुलदीप सिंह, जो बता रहे हैं कि बीजेपी की हवा निकली हुई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे, देखिए उस तरह चलिए, ये देखिए यहाँ पे महिलाओं का प्रदर्शन भी आप देख सकते हैं, महिलाओं का प्रदर्शन भी आप देख सकते हैं, महिलाओं का प्रदर्शन भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कहाँ लेके जाए जरा आपको, मुझे तो मार रहे हैं। अरे यार मेरे को मत मारोगे जुबिंदर, ये दफ्तर की सुपुर्दी हुई पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंच गए हैं, महिला अधिकारी भी यहां पर पहुंच गए हैं, कह रहे हैं कि इस तरीके से आप किसी के ऊपर मुश्किल है बड़ा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं भी देखिए ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगाए हुए नजर आ रहे हैं और मंत्री आदि हैं वो भी यहाँ पर। देखिए हम लोग दिल्ली में इस वक्त आईटीओ पर मौजूद थे, जहां पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी पार्टी के जो बड़े नाम हैं, जो बड़े चेहरे हैं, आतिशी कुलदीप सिंह, सौरभ भारद्वाज को पुलिस की ओर से डिटेन कर लिया गया है। जी हां, आप देख सकते हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री जो बड़े नाम है, आतिशी हो गई, सौरभ भारद्वाज हो गए, कुलदीप सिंह हो गए, इनको पुलिस की ओर से डिटेन कर लिया गया है गिरफ्तारी के बाद। जी हाँ, गिरफ्तारी वो भी ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव 2024 है, 19 अप्रैल से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसका नतीजा 4 जून को आएगा। ये रिजल्ट जो है, अब देखने वाली बात ये होगी क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लिखा है ये देखिए कार्यकर्ता, आप इस वक्त देख सकते हैं उसके विचारों को गिरफ्तार नहीं। अगर अगर स्कूल बनाना, मोहल्ला क्लिनिक बनाना, अस्पताल बनाना अगर जुर्म है तो केजरीवाल को गिरफ्तार करो, हमको भी गिरफ्तार करो, केजरीवाल एक विचार है। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो अघोषित इमरजेंसी है, इसको तुरंत खत्म करिए। इनकलाब, इनकलाब जी, अरविंद केजरीवाल को अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया है, उसका तमाम दिल्ली वासी आज विरोध कर रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब क्या गिरफ्तारी के बाद अब क्या?
देखो विरोध करेंगे, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आज पूरे दिल्ली के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जिस तरह से बीजेपी पूरे देश में एक नया ट्रेंड शुरू कर रही है कि बीजेपी में रहोगे तो सदाचारी, विपक्ष में रहोगे तो भ्रष्टाचारी, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अब क्या ये देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के तहत अपनी आवाज़ उठाने जा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस वो काम भी नहीं करने दे रही। पूरे देश में तानाशाही है, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, पूरे देश में मुख्यमंत्रियों को देख सकते हैं आपकी पुलिस जो है वो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ट्रैफिक है आप देख सकते हैं, ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं इस वक्त, इनको यहाँ से उठाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को हम कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने हक के लिए कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है वो अरविंद केजरीवाल जी को न्याय देंगे। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, एक नए आदमी को अंदर लाना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, मोदी तेरी ताना। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जो है आतिशी, इमरान खान, सौरभ भारद्वाज, साथ ही आप देख सकते हैं कि तीन गाड़ियां अभी तक ले जा चुकी है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए आए थे उनको डिटेन कर लिया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि तस्वीरें, जाम, प्रदर्शन, देखिए आप किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेके जाया जा रहा है। इधर से चलना है यार हम लोगों को। साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नारा तानाशाही नहीं चलेगी। आप इस वक्त मौजूदा स्थिति देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है वो क्या है। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली।